सममित पे आएंगे, आर को दिखाना है कि आर सममित है, आर को दिखाना है कि सममित है। आर का मतलब यही संबंध, जो रिलेशन है आपका वो जो है सममित है। सममित दिखाने के लिए बेटा हम लोग करते क्या हैं, हम मान लेते हैं कि माना कि T1, T2 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। इसको याद रखिएगा, सममित दिखाने के लिए मानते हैं कि माना T1, T2 बिलोंग कर रहा कहाँ, आर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, आर जो है, आर में दिखाया गया है कि आर में केवल वह एलिमेंट हैं जो एक दूसरे के सर्वांगसम हैं, वह त्रिभुज हैं जो एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो हम ये मान लिए हैं कि T1, T2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, संबंध में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तब T2, T1 भी बिलोंग करेगा कहाँ, आर में। क्यों बिलोंग करेगा, लिखेंगे यदि T1, T2 के सर्वांगसम हैं, T1, T2 के सर्वांगसम हैं, तब T2, T1 के सर्वांगसम होगा। इसलिए T2, T1 भी बिलोंग करेगा कहाँ, आर में। इसलिए आर क्या हो गया, सममित हो गया, आर क्या होगा, सममित होगा। सममित दिखाने के लिए हमको इतना दिखाना पड़ता है कि यदि T1, T2 आर में बिलोंग कर रहा है, ये पढ़े हैं हम लोग, यदि A1, A2 बिलोंग कर रहा है आर में, तब अगर A2, A1 बिलोंग करे आर में, तब वही संबंध सममित कहलाता है। और अगर यदि हम यहाँ पे मान लें कि T1, T2 बिलोंग कर रहा आर में, तो इसका मतलब क्या होगा कि T1, T2 के सर्वांगसम है, तब निश्चित रूप से T2, T1 के सर्वांगसम होगा। अगर T1, T2 के सर्वांगसम है, तब T2, T1 के भी सर्वांगसम होगा, ठीक। तो T2, T1 जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि आर में उन्हीं त्रिभुजों को रखा गया है जो एक दूसरे के सर्वांगसम हों, और T2, T1 के सर्वांगसम है, इसलिए ये आर में बिलोंग करेगा, और आर क्या हो गया हमारा, सममित हो गया। अगर T1, T2 बिलोंग कर रहा आर में, तब T2, T1 भी बिलोंग कर रहा आर में, इसलिए आर क्या हो गया, सममित हो गया।